सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर 14 जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली पूरा सेमीकंडक्टर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इस ये जेई मेंस के सिलेबस में था लास्ट ईयर तक, लेकिन इस साल शायद जेई एडवांस में भी ऐड हो गया है और नीट वीट में तो पूछता ही है। तो हम लोग एनसीईआरटी एक एक लाइन क्लियर कर लेंगे, मतलब पूरा एनसीईआरटी हम लोग रीडिंग डालेंगे और फिर हर एक कॉन्सेप्ट को देखते चलते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल से कंप्लीट करना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे। सो फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन। डिवाइसेज इन विच अ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेंड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो वैसे डिवाइस जिनमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम ज़्यादा ही फ्लो हो जाए, नहीं तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कंट्रोल फ्लो होगा तो वही होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1948 सच डिवाइसेज वेयर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब ट्रांजिस्टर से डिस्कवरी के पहले वैसे डिवाइस वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करते थे, ऑल्सो कॉल्ड वॉल्स, जिनको हम लोग वाल्स भी कहते थे। लाइक द वैक्यूम डायोड विच हैज़ टू इलेक्ट्रोड्स विच इज़ एनोड, जिसको हम लोग प्लेट कहते हैं, एंड कैथोड ट्रायोड विच हैज़ थ्री इलेक्ट्रोड्स, कैथोड प्लेट एंड ग्रिड, टेट्रोड एंड पेंटोड रिस्पेक्टिवली विथ 4-5 इलेक्ट्रोड्स। तो ये सब दिया हुआ है कि मतलब वैक्यूम ट्यूब्स में क्या क्या होता था, ठीक है। इन अ वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाई अ हीटेड कैथोड एंड द कंट्रोल फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम इज ऑब्टेन्ड बाई वेरिंग द वोल्टेज बिटवीन इट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को बीच वोल्टेज को वेरी करने से इनके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जाता था, कंट्रोल फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इन द इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस, अदरवाइज द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मे लूज देयर एनर्जी ऑन कॉलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स इन देयर पाथ। इन दीज डिवाइसेज द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो मतलब इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता था, कैथोड से एनोड तक। देयरफॉर सच डिवाइसेज आर जनरली रेफर्ड टू एज वाल्व, इसीलिए इनको वाल्व कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का, कैथोड से एनोड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दीज वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस आर बल्कि, कंज्यूम हाई पावर, ऑपरेट जनरली एट हाई वोल्टेजेस एंड हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी। द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स goes back to 1930s when it was realized that some solid state semiconductors and their junctions offer the possibility of controlling the number of the and the direction of flow of charge carriers through them. तो semiconductors का आशा लगने लगा था solid state semiconductor का 1930s के आसपास, जो हम लोग को ये सब provide करा सकते थे, जैसे direction of flow of charge को control करना, number of charge को control करना, ये सब simple excitations like light, हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। मतलब लाइट, हीट या फिर वोल्टेज को भी हम लोग चेंज कर सकते थे और वो मोबाइल चार्जेस को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो मोबाइल चार्जेस क्या हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनसे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नोट दैट द सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, इन द सेमी कंडक्टर डिवाइसेज आर विद इन द सॉलिड इटसेल्फ। तो वो सॉलिड में ही होते हैं, ठीक है। हाँ, वाइल इन द अर्लियर वैक्यूम ट्यूब्स वाल्व्स द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वेयर ऑब्टेन फ्रॉम अ हीटेड कैथोड एंड दे आर मेड टू फ्लो इन एन इवैक्यूएटेड स्पेस और वैक्यूम। तो उस दोनों में अंतर क्या है कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें सॉलिड में होते हैं, लेकिन
वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्स में क्या था कि वो इवैक्यूएटेड स्पेस और वैक्यूम में घूमता था। नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस इज़ रिक्वायर्ड बाय अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ये फ़ायदा हो गया हम लोगों की, ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। दे आर स्मॉल इन साइज है, कंज्यूम लो पावर, ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। तो सब में इसका फ़ायदा दिख रहा है। इवन द कैथोड रे ट्यूब्स यूज्ड इन टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स विच वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मोनिटर, जिसको हम लोग LCD भी कहते हैं। तो सब चीज़ रिप्लेस होते जा रहा है विथ सपोर्टिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मच बिफोर द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ द सेमी कंडक्टर डिवाइसेज वॉज फॉर्मली अंडरस्टूड। अ नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल ऑफ गलेना विथ अ मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट अटैच टू इट वॉज यूज एज डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेमी कंडक्टर फिजिक्स एंड डिस्कस सम सेमी कंडक्टर डिवाइसेज लाइक जंक्शन डायोड्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अ फ्यू सर्किट्स इलस्ट्रेटिंग देयर एप्लीकेशंस विल ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब है 14.2, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो क्या क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, द सॉलिड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल्स। दे पोजेसेस वेरी लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी, जिसका रेंज ऑर्डर कुछ ये है। सेमी कंडक्टर्स, दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर्स क्या है, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी, ये तो पता है हम लोग को। इसका रेंज देख लेना एक बार, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द वैल्यूज ऑफ रो एंड सिग्मा गिवन अबव आर इंडिकेटेड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कुड वेल गो आउटसाइड द रेंजेस एज वेल। रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टिविटी आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंग्विश मेटल्स इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स फ्रॉम ईच अदर। देर आर सम अदर डिफरेंसेज विच विल बिकम क्लियर एज वी गो अलॉन्ग दिस चैप्टर। मतलब कि सिर्फ ऐसे ही इसको नहीं किया जा सकता डिवाइड, कुछ और भी हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में ही। रो और सिग्मा क्या है, पता चला होगा, रो है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है सिग्मा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ठीक है, ये तो पता चल ही रहा है। हाँ, आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज इन द स्टडी ऑफ सेमी कंडक्टर्स विच कुड बी एलिमेंटल सेमी कंडक्टर जैसे SiNG, कंपाउंड सेमी कंडक्टर एग्जाम्पल्स आर इनऑर्गेनिक CDS, ये सब ऑर्गेनिक एंथ्रासीन, डोप्ड थैलोसाइनिन्स एक्सेट्रा, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स लाइक पॉलीप्रोपायरोल, पोली एनिलीन, पोली थियोफीन एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द करेंटली अवेलेबल सेमी कंडक्टर डिवाइसेज आर बेस्ड ऑन एलिमेंटल सेमी कंडक्टर्स SiGe एंड कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर्स। हाउएवर आफ्टर 1990 अ फ्यू सेमी कंडक्टर डिवाइसेज यूजिंग ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैव बीन डेवलपिंग सिग्नल टू द बर्थ ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ऑफ पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दिस चैप्टर वी विल रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्व टू द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर्स पर्टिकुलरली एलिमेंटल सेमी कंडक्टर SiGe। द जनरल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर हेयर फॉर डिस्कसिंग द एलिमेंटल सेमी कंडक्टर बाई एंड लार्ज अप्लाई द मोस्ट कंपाउंड सेमी कंडक्टर एज वेल। तो इतना ये जो पैराग्राफ बताया, इसमें सिर्फ यही सब बताया है कि क्या क्या सेमी कंडक्टर होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कहाँ कब यूज़ किया जाता है, क्या फ्यूचरिस्टिक स्कोप्स हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ कुछ इतना ही पढ़ना है, SiGe और कुछ कंपाउंड सेमी कंडक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे मेन चैप्टर में घुस रहे हैं। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स। तो एनर्जी का क्या था फार्मूला, ई बराबर 13.6 ऑफ कोर्स विद अ माइनस साइन, जेड स्क्वायर अपॉन
एन स्क्वायर, ये तो पता है। तो वहीं आप बोल रहा है, ठीक है। बट वेन द एटम्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड दे आर क्लोज टू ईच अदर, लेकिन जब एटम्स एक साथ आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के एकदम क्लोज हो जाते हैं। तो इसका फिगर भी थोड़ा बनाते चलते हैं। तो मान लीजिए एटम्स क्लोज आ गए, तो ये एक एटम था, ये एक एटम था, ये एक एटम था, क्लोज आ गए। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसका आउटर जो शेल है वो एक सबसे ओवरलैप करने लगेगा, मतलब जब क्लोज आ जाएंगे तो उनका आउटर शेल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करने लगेगा। वैसे यहाँ पे नीचे में भी होगा एटम, और ऑफ कोर्स ये भी ओवरलैप करेगा ऐसे करके। वैसे इस कॉन्सेप्ट का मैंने डिटेल में, एकदम डिटेल में पहले एक वीडियो में, कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो द आउटर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम्स वुड कम ओवर क्लोज और कुड इवन ओवरलैप, मैंने कहा कि वो ओवरलैप करने लगेंगे आउटर मोस्ट शेल्स। दिस वुड मेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एन आइसोलेटेड एटम। तो ये जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोशन है उसको बहुत डिफरेंट बना देंगे आइसोलेटेड एटम से, क्योंकि आइसोलेटेड एटम में क्या होगा, जैसे ये आइसोलेटेड एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं घूमेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसका वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते घूमते इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, सब जगह चल जाएगा, ठीक है। इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक पोजिशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विथ कॉन्टिन्यूस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म वाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स, ठीक है। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। समझाते हैं क्या करके। तो जिस बैंड में एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, तो उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। मतलब कि जो आउटर वाला है इसको कहेंगे वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अच्छा, मतलब एक वैलेंस बैंड है, इसके ऊपर वाले बैंड्स को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहीं से ना इलेक्ट्रॉन जम करेगा, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड, मतलब वो सब अंदर अंदर रहेंगे। इफ द लोएस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैपेंस टू बी लोअर दैन द हाइएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन ईजिली मूव इन टू द कंडक्शन बैंड। तो अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हुआ तो वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में आराम से चले जाएंगे। नॉर्मली द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, नॉर्मली वो खाली रहता है, बट वेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इन टू इट। दिस इज द केस विथ मेटेलिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में यही होता है। अब थोड़ा सेमी कंडक्टर्स में आते हैं। If there is a some gap between the conduction band and the valence band, electrons in valence band all remain bound and no free electrons are available in the conduction band. तो मैं यहाँ पूरा आपको यहाँ तक बता देता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ तक बता देता हूँ, फिर बैंड थ्योरी का मैं कुछ अलग से आपको पढ़ाऊँ, मतलब बताऊँगा, तो वो और क्लियर हो जाएगा। पहले NCERT हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। If there is some gap between the conduction band and the valence band, electrons in valence band all remain bound and no free electrons are available in the conduction band. Of course, कि अगर कुछ gap हुआ तो जैसे band यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, band ऐसे कह रहे हैं कि ये है conduction band, ये है valence band, VB, CB, तो सारे electron इसमें हैं,
तो अगर गैप है तो ये इसमें जा ही नहीं पाएगा, तो कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वही कह रहा है, दिस मेक द मटेरियल एंड इंसुलेटर, और ये इंसुलेटर है, बट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड मे गेन एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। लेकिन अगर इसको हल्का सा भी हीट करें, थोड़ा सा भी, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर सकता है और फिर वो कंडक्ट करने लगेगा। अब क्लिक कर रहा होगा कि सेमीकंडक्टर के केस में हीट देने पे क्यों कंडक्शन थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू द कंडक्शन बैंड एट द सेम टाइम दे विल क्रिएट वैकेंट एनर्जी लेवल्स इन द वैलेंस बैंड। हाँ, वैलेंस बैंड में ये वैकेंट एनर्जी लेवल भी बनाएगा वेयर अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। थस द प्रोसेस क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एज वेल एज ड्यू टू वैकेंसीज इन द वैलेंस बैंड। लेट अस कंसिडर वाट हैपन्स इन द एस आई और जी क्रिस्टल कंटेनिंग एन एटम्स। फॉर एस आई द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज थर्ड ऑर्बिट, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द थर्ड ऑर्बिट, वाइल फॉर जी इट इज फोर्थ ऑर्बिट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फोर, हैंस द टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल इज फोर एन। द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर इज एट, मतलब एट आ सकते हैं और है चार, मतलब दो खाली है। सो फॉर द फोर एन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देयर आर एट एन अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स। दीज एट एन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कैन आइदर फॉर्म अ कंटिन्यूस बैंड और दे मे बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट बैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द क्रिस्टल। धैर्य रखो, सब समझ में आ जाएगा एक बार में, अभी सिर्फ हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा होगा कि जैसे एस आई और जी में क्या होता है, अवेलेबल स्पेस आठ का लेकिन है चार ही, ठीक है। तो उससे मतलब एक वैक्यूम वैक्यूम क्लियर हो रहा है, मतलब बन रहा है। एट द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एंड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ एस आई एंड जी द एनर्जी बैंड ऑफ दीज एट न्यूटन स्टेट्स इज स्प्लिट अपार्ट इनटू टू व्हिच आर सेपरेटेड बाय एन एनर्जी गैप ई जी। द लोअर बैंड इज व्हिच इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द फोर एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स at temperature of absolute zero is valence band, the other band consisting of 4n energy states called the conduction band is completely empty at absolute zero। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के जानबूझ के मैंने निकाला है ताकि अब मैं इसको डिटेल में क्लियर करूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दिस, तो इसमें ऐसे ही कह रहा था मैं कि ये रहा आपका एनर्जी लेवल, ये फील्ड है, ये एम्प्टी है, ये बीच का गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। एक ये केस होता है, एक ये होता है इंसुलेटर का केस, ये होता है सेमीकंडक्टर का केस, और ये होता है मेटल का केस। मेटल के केस में ये दोनों ओवरलैप करता है, इसीलिए तो मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ पे जंप करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो ये इंसुलेटर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर सकता है क्योंकि एनर्जी का गैप कम है, ठीक है। तो वही है, कुछ भारी रॉकेट साइंस है नहीं। द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज शोन एज ई सी एंड हाइएस्ट एनर्जी लेवल ई वी। हाँ, मतलब ये है कि इसको ई सी कहा, इसको ई वी कहा, ठीक है। Above EC and below EV, there are large number of closely packed space energy levels. The gap between the top of the valence band and bottom of the conduction band is called energy band gap, bataya maine. It may be large, small or zero depending upon the material. These different situations are depicted in figure 14.2. Isi mein depict kiya hai. Case 1, this refers to a situation as shown in 14.2A. Ye wala. One can have metal either when the conduction band is partly filled and the valence band is partly empty, or when the conduction and valence band overlap. When there is overlap, electrons from valence band can easily move into the conduction band. This situation makes a large number of electrons available for electric conduction. जो मैंने कहा कि अगर ये overlap करेगा तो इसका बहुत सारा electron इसमें मतलब है ही, conduction में ही है, तो conduct करेगा। When the valence band is partially empty, electrons from its lower level can move to higher level, making conduction possible.
देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ सच मटेरियल्स इज लो और कंडक्टिविटी इज हाई। अब केस टू, जिसमें बड़ा होगा इंसुलेटर। इन दिस केस अ लार्ज बैंड गैप एग्जिस्ट, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल। नोट दैट एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बाई थर्मल एक्साइटेशन, दिस कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब कि यहाँ पे एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके भी नहीं पहुँचाया जा सकता है। केस थ्री क्या है? दिस सिचुएशन इज शोन इन फिगर 14.2C। हेयर अ फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉल बैंड गैप एट रूम टेम्परेचर। सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी गैप एंड एंटर द कंडक्शन बैंड। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड, हैंस द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर इज नॉट एज हाई एज दैट ऑफ इंसुलेटर। इन दिस सेक्शन वी हैव मेड ब्रॉड क्लासिफिकेशन याडा याडा। तो हम लोग ने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया जो अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा था बैंड गैप्स का, कंडक्शन बैंड का, मेटल का, इंसुलेटर का। अब हम लोग यहाँ से मेन चैप्टर शुरू करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और इसका अब मैं अलग से एक साइड से आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है? तो अब वो वीडियो देखिए और यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और अगर आपको कोई कमेंट करना है या कोई सजेशन देना है तो वो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आता है कॉलेज में, हम लोग को पढ़ना होगा आगे, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ सेमीकंडक्टर नाम से पढ़ना है। तो ये है क्या? लेस कंडक्टिंग देन कंडक्टर, मतलब कि जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि मेटल, जो कॉपर हो गए, सिल्वर, ये सबसे वो कम कंडक्टर है। एंड मोर कंडक्टिंग देन इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक्स, वुड्स, ये सबसे ये ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। तो ये सबसे ये ज़्यादा कंडक्टिंग है, तो मतलब ये कहीं बीच में लाई करते हैं। मतलब जो कंडक्टर होते हैं उनसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस होता है और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इंसुलेटर का होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर से कम कंडक्ट कर पाता है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्ट कर पाता है। तो होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो मतलब तो सेमीकंडक्टर का आखिर यूज़ क्या है? सेमीकंडक्टर्स का यूज़ ही क्या है अगर इंडक्टर हम लोग के पास है, कंडक्टर और इंसुलेटर है, तो हम लोगों को आगे पता चलेगा। सेमीकंडक्टर आखिर है क्या, मतलब उसका टेम्परेचर से वेरिएशन एक बार देख लेते हैं। टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है। अभी के लिए इतने याद रख लीजिए, लेकिन आगे के चैप्टर में हम लोग इसका रीज़न भी जान पाएंगे डेप्थ में। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कम रेजिस्ट करता है और कंडक्ट ज़्यादा करता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ओके, अब इसका एक हम लोग का फ़ायदा दिया यहाँ पे देखते हैं क्या होता है सेमीकंडक्टर का फ़ायदा। सो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल्ड एंड इवन कैन बाई 1000 times बाई इंसिडेंटिंग लाइट, हीटिंग, मिक्सिंग सम इम्प्योरिटीज। मतलब लाइट गिरा के या हीट करके या सम इम्प्योरिटीज को मिला के हम लोग सेमीकंडक्टर के कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन उसको 1000 times तक कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 1000 गुना बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो कितना फ़ायदे की बात है कि हम लोग अपने मन हिसाब से उसका रेजिस्टेंस कुछ भी कर सकते हैं और कंडक्टेंस कुछ भी कर सकते हैं। यही सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा खासियत होता है। सो नेक्स्ट है एनर्जी डायग्राम ऑफ सिंगल एटम। एनर्जी डायग्राम हम लोग इसका देखते हैं, इसका आगे यूज़ आएगा इस चैप्टर में, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। वैसे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्लास 11 में पढ़ना था फर्स्ट चैप्टर में। सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग कहते हैं, और जिसका वैल्यू होता है K1Q2 r। तो अगर हम लोग एक एटम का लें तो एटम में जो बीच में होता है उसका चार्ज होता है ZE और इलेक्ट्रॉन का होता है E, तो इसका क्या हो जाएगा KZE into E upon r। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आया KZE² by r। तो जब यहाँ पे r हम लोग बढ़ाते हैं तो u हमारा डिक्रीज करता है। इसके हिसाब से देखिए, r हम लोग जब बढ़ाएंगे तो u
डिक्रीज करेगा। सो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो ग्राफ ऐसे बनता है U वर्सेस R का, और ये नेगेटिव साइन है इसीलिए ग्राफ नीचे बनता है, और ये कुछ इस प्रकार का बनता है, 1s एटम के लिए ऐसे, 2s के लिए ऐसे, मतलब ऑर्बिटल के लिए 2p, ऑर्बिटल के लिए 3p, 3s ऑर्बिटल के लिए, सब ऑर्बिटल के लिए डॉट 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 यहाँ तक। तो ये इसका एक रफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो उस समय हम लोग ने एक सिंगल एटम का देखा था, अब हम लोग देखते हैं दो क्लोजली प्लेस्ड एटम्स के बीच का एनर्जी डायग्राम। तो अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई मैं एनर्जी डायग्राम बीच में कहाँ से लाया, एनर्जी डायग्राम का धीरे धीरे कनेक्शन मैं लिंक करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही एटम बन गया दो, तो दोनों का जो एनर्जी डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और एक पॉइंट पे ये थोड़ा सा ओवरलैप भी करेगा, ठीक है। और ये वो सिनेरियो है जब दो एटम, जो दो एटम वो क्लोजली नहीं है, अभी दूर पे रखे हैं, लेकिन जब उसको क्लोज लाएंगे तब क्या होगा वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। सो देखिए, इफ वी ब्रिंग दीज टू एटम्स क्लोज, आउटर मोस्ट शेल्स विल ओवरलैप। मतलब कि अगर हम लोग उन दोनों को क्लोज ले आएंगे तो उनके जो बाहर वाले ये शेल थे वो ओवरलैप कर जाएंगे। एनी इलेक्ट्रॉन इन दीज आउटर मोस्ट सेल्स विल बी इन इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ एटम्स नाउ। मतलब कि जैसे हम लोग ने क्लोज लाया तो क्या हुआ कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल थे वो ओवरलैप हो गए और वो एक शेल बन गया ओवरलैप करके, और जो इलेक्ट्रॉन था वो अब इस एटम का भी रहा और इस एटम का भी रहा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब दोनों एटम के बीच में घूमेगा क्योंकि बाहर वाला तो ओवरलैप कर गया। तो इसका एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, यू वर्सेस आर का ग्राफ ऐसा बनता है, और ये एक पॉइंट पे आके ओवरलैप करता है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का हम लोग आगे मतलब समझेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये इसका मतलब यू और आर ग्राफ ऐसा बनता है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल एटम्स के लिए क्या होता है। सो अब हम लोग समझेंगे एनर्जी डायग्राम ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली प्लेस्ड एटम। अभी तक हम लोग ने एक देखा, दो देखा, हम लोग बहुत सारे एटम्स का देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, सेमीकंडक्टर से लेके सब चीज यहाँ पे अब लिंक होने वाला है। तो अगर हम लोग सब एटम को क्लोज ले आए और ये 3D में है, ये इधर है, इसके पीछे भी एक एटम होगा, इसके भी पीछे एक एटम होगा, इसके भी पीछे एटम होगा, इसके भी पीछे एटम होगा, मतलब सब एकदम सजा के रखा हुआ है 3D में। तो इसको मैं लीनियर ऐसे फोटो में दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। तो इसके आउटर मोस्ट सारे ओवरलैप हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब एटम से शेयर होगा। तो ये दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर तक जा सकता है, यहाँ पे था पहले, अगर दूर था तो सिर्फ यही एटम के चारों बगल घूम रहा था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेके इधर 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 जहां मन वहां जा सकता है। और ये 3D में क्रिस्टल है तो एक कोना से दूसरे कोना में ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक एक एनर्जी को अपने साथ लेके जा सकता है। और ये जो इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आर इन वैलेंस बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो इसका हम लोग अगर यू वर्सेस आर ग्राफ बनाए वापस से, ये यू और ये यहाँ पे आर, तो अगर हम लोग यू वर्सेस आर ग्राफ बनाए तो पता चलेगा कि वैसे ही जैसे दो शेल में हो रहा था वैसे तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो सब ये जो लैप कर रहा है ओवरलैप, एक पॉइंट के बाद ये दोनों मैच कर रहा है, और ये जो बीच में रीजन बना इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। मतलब कि इसके अंदर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो अब होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सारा चीज। नेक्स्ट इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ ले। इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ ऑर्बिटल्स इन लैटिस स्ट्रक्चर आर फ्री टू मूव। वही मतलब इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग रीजन में था वो फ्री था मूव होने के लिए। इन वो लैटिस, पूरे लैटिस में, मतलब पूरे क्रिस्टल में,
दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स आर नोन एज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सब तो मैंने आपको बता दिया, बस ये लिखा हुआ है नोट्स में. तो इसी के बाद हम लोग को अब नेक्स्ट पढ़ना था कंपैरिजन ऑफ एनर्जी लेवल्स सिंगल एटम वर्सेस सॉलिड लैटिस. मतलब कि जो हम लोग सिंगल एटम का पढ़े और जो सॉलिड क्रिस्टल का पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे एटम होते हैं. तो पहले सिंगल एटम का देख लेते हैं. तो सिंगल एटम में क्या है कि सिंगल सिंगल इसका ये बनता है ऑर्बिटल 3p, 3s, 2p, 2s, 1s ऐसे. लेकिन सॉलिड लैटिस में जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो ऐसा नहीं बनता है, वो कुछ इस प्रकार बनता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. और ये एक मतलब कि ये एक सिंगल लाइन नहीं बनता, ये एक रीजन बनता है. वही रीजन जो कंडक्शन रीजन था, जो मतलब दो ओवरलैप ऐसे करके जो ग्राफ ओवरलैप कर रहा था, और जो ये रीजन था वही यहाँ पे ये है. रिलेट आप लोग कर लीजिए. तो ये मतलब इस पूरे एनर्जी के अंदर यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एनर्जी कंडक्ट करेंगे. अब जो हम लोग ने लास्ट पेज में पढ़ा उसका हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि वो हम जाने क्यों. तो देखिए, फर्मी एनर्जी, हम लोग सोडियम का एग्जांपल लेते हैं जिसका जेड होता है 11. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और s1 हाफ फील्ड है. अब इसका देखिएगा सिग्निफिकेंस जो हम लोग ने लास्ट पेज में पढ़ा था. तो एट जीरो केल्विन टेम्परेचर में आखिर हो क्या रहा है, तो देखते हैं. तो वैसे ही मैंने शेल बना दिए पूरे 3p, 3s, 2s, 2p, 2s, 1s, पूरा ऐसे एनर्जी बैंड बना गया. अब 3s तो यहाँ पे हाफ फील्ड था, तो यहाँ पे जो 3s होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आधा ही होगा और आधा खाली होगा, तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड. और जो उसके ऊपर होगा 3p, तो एक्चुअली यहाँ पे 3p जीरो है, तो 3p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. और ये हो गया आउटर शेल इलेक्ट्रॉन मेक्स बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड. जब हम लोग ने अभी दो पेज पहले पढ़ा था कि जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं वही ये बैंड है. तो इसी को कहते हैं आउटर शेल. और इसमें खास बात ये है कि अगर ये हाफ फील्ड था तो ये जो एनर्जी लेवल भी होगा ये एकदम बीच में होगा. मतलब 3s भी आधा बटा हुआ होगा, उसके आधा ऊपर खाली होगा और उसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसी लेवल को बोलते हैं फर्मी एनर्जी. तो इसका थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लें. एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, मतलब जीरो केल्विन पे ये सब बात हो रहा था, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट शेल वैलेंस बॉन्ड इज डिफाइंड एज फर्मी एनर्जी. मतलब जो हाईएस्ट एनर्जी होगा उसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं. एट टी ग्रेटर देन जीरो केल्विन, मतलब जब टी जीरो केल्विन से बड़ा हो तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मे गेट एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस. मतलब कि जैसे ही अगर हम लोग जीरो केल्विन से ज्यादा करेंगे टेम्परेचर, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी आ जाएगा. अब वो थर्मल एजिटेशन से एनर्जी ले लेगा एंड हेंस कैन हैव एनर्जी मोर देन फर्मी एनर्जी. और जो फर्मी एनर्जी का लेवल है इसको क्रॉस कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करने लगेगा. सो अब हम लोग देखते हैं बैंड डायग्राम इन कंडक्टर्स. तो बैंड डायग्राम इन कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स जैसे मेटल्स हो गया, और इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है. तो वही कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप हुआ और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया. मतलब कि जो वैलेंस बैंड में था वही कंडक्शन बैंड में आ गया, और ये जो कंडक्शन बैंड है ये कंडक्ट करवा देगा इलेक्ट्रॉन को. तो फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इसके बीच वाले पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं. और लेकिन मेटल एट टी इज ग्रेटर देन जीरो केल्विन का ये बात हो रहा है. तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा और रेजिस्टिविटी कम. ये सब सिंपल हम लोग कंडक्टर का भी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं. तो उसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट. अब सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग इंसुलेटर्स के बैंड डायग्राम जान लें, तभी हम लोग सेमीकंडक्टर्स और आसानी से समझ पाएंगे. तो इंसुलेटर में क्या होता है,
ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, ये दोनों ओवरलैप करता ही नहीं है, ये दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, और उस एनर्जी डिफरेंस का नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप या फर्मी एनर्जी गैप या बॉन्ड गैप, बैंड गैप। तो इसके जो गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है जनरली इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है, और इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्ट ही नहीं होगा, और वैलेंस बैंड में तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन होगा ही। ये जो डेल्टा ई जी है, ये है डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, मतलब कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी। जैसे ये डायग्राम हुआ तो कंडक्शन बैंड का ये मिनिमम एनर्जी है और ये मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये मिनिमम एनर्जी इसका लेंगे और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेंगे, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा ई जी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ सी बी मतलब कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वी बी मतलब वैलेंस बैंड, और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इंटू कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम एनर्जी, उतना एनर्जी चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हो उसको हम लोग अगर एनर्जी दे दें तो वो जंप होके यहाँ पहुंच जाए, ये मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं डेल ई जी। ओके, सो नेक्स्ट है डेल्टा ई जी मतलब फॉरबिडन एनर्जी ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये बहुत 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 ज्यादा होता है के कैपिटल टी से। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कैपिटल टी टेम्परेचर इन केल्विन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्लास 11 के हीट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, तो उसको मैं कभी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए छोड़। इवन थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट प्रोवाइड दिस हाई एनर्जी, मतलब कि अब हम लोग मेटल में तो बात कर रहे थे कि टी ग्रेटर देन 0 केल्विन पे हो रहा था, लेकिन इंसुलेटर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि थर्मल एजिटेशंस इलेक्ट्रॉन को उतना प्रोवाइड नहीं करवा पाते जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी क्रॉस कर जाए, सो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन वैलेंस बैंड। इसीलिए इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही रह जाता है, और सी बी रिमेन्स एम्प्टी, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो नो कंडक्टिविटी, और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका करंट के लिए। डायग्राम बैंड डायग्राम इन सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, तो बैंड डायग्राम इन सेमीकंडक्टर समझने के लिए पहले तो समझना होगा कि ये कंडक्शन बैंड हुआ और ये अपना वैलेंस बैंड हुआ, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड खाली है, और इनके बीच का जो एनर्जी है उसको डेल्टा ई जी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी या फर्मी एनर्जी। तो इंसुलेटर में हम लोगों ने देखा था कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ये वर्क कैसे करता है। तो जब इसको एनर्जी मिल जाएगा तो इसका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप होके यहाँ आ जाएंगे, ये यहां से इलेक्ट्रॉन यहां, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहां होल्स बच जाएंगे। तो इसके द्वारा जो करंट हो गए उसको बोलेंगे आई एच, मतलब होल्स के द्वारा करंट, और इससे जो करंट पैदा होगा उसको बोलेंगे आई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट, और टोटल आई होगा आई ई प्लस आई एच, और इसको एक वोल्टेज देने के बाद ऐसा होगा। अब देखते इसको पढ़ के तब और समझ में आएगा। एट 0 केल्विन ऑल इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन वैलेंस बॉन्ड, मतलब कि 0 केल्विन में तो सब इसी में होगा, थोड़ा सा एनर्जी देंगे तब वो जंप करता है। सी बी विल रिमेन एम्प्टी 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नो चार्ज कैरियर्स, मतलब कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, सब इसमें पैक्ड रहेगा, तो नो चार्ज कैरियर, तो चार्ज कैरियर भी नहीं होगा, तो चार्ज तो मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो नो कंडक्शन, और इस केस में आर इन्फिनिटी हो जाएगा और कंडक्टेंस 0 हो जाएगा। सेमीकंडक्टर इज बिहेविंग लाइक इंसुलेटर, कब? एट 0 केल्विन, याद रखना है। अब एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन एजिटेशंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एजिटेशन शुरू होगा, मतलब कि उसमें हीट जाएगा, कितना? E बराबर KT, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्लास 11 हीट चैप्टर में पढ़ना है। सो
इलेक्ट्रॉन मे जंप फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि देखिए बहुत टेक्निक मैकेनिकल चीज है, जैसे टी जब जीरो केल्विन से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, तो जब टी जीरो केल्विन से बड़ा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करेंगे वो ज्यादा होंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा जंप करेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा हीट आते जाएगा, जितना हीट आएगा उतना जंप करेंगे, तो कंडक्टिविटी उतना ही बढ़ते जाएगा, मतलब कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप होगा, जैसे अगर हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे उधर, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा तो कंडक्शन बैंड में उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना कंडक्टिविटी बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा चार्ज कैरियर हो जाएगा, और ज्यादा चार्ज कैरियर और ज्यादा कंडक्टिविटी के कारण रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वैरी कर सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ा घटा के, और फर्स्ट पार्ट में यही बताए थे। अब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड होल्स ऑफ वैलेंस बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ चार्ज, ये होल्स है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में और होल्स वैलेंस बैंड में, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ चार्ज के लिए, मतलब होल्स भी हैं, क्योंकि होल्स भी तो एक तरह से वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, और होल्स जिस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एनर्जी कैरी करेगा वन प्लेस टू अनदर, या फिर कंडक्शन ऑफ चार्ज है, करंट सिंपली हम लोग पढ़ते हैं कि करंट होगा दोनों के कारण। अब इसको कुछ इस प्रकार के डायग्राम में समझते हैं कि होल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये मान लीजिए सिलिकॉन का एटम है, सिलिकॉन का एटम बहुत ही कॉमन सेमीकंडक्टर होता है, तो सिलिकॉन के एटम में एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग टेम्परेचर दिए टी ग्रेटर देन जीरो, तो जैसे ही टेम्परेचर दिए तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गया और वो एजिटेशन के द्वारा निकलना चाहेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस दिशा में जा रहा है, मान लेते हम लोग इसको सप्लाई दिए वोल्टेज कुछ ऐसे, और वोल्टेज देने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट क्या होता है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, मतलब कि करंट इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का डायरेक्शन ये है। अब देखते हैं होल्स का क्या खेल यहां पे चल रहा है, और जो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी तो इस साइड जाना चाहेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन इस साइड जाना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके इधर आ गया, तो होल्स आप देख रहे धीरे धीरे उधर जा रहा है, ये होल्स इधर आया, इधर होल हो गया, फिर इधर होल हो गया, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में इधर जा रहा है, तो एक्चुअली में होल्स मूव नहीं करता है, होल्स क्रिएट होते जाता है किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर ही जा रहा है, तो होल्स के कारण भी करंट इस साइड हुआ, इसीलिए आई इज इक्वल टू आई प्लस आई एच, और जनरली इलेक्ट्रॉन का करंट होल से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज समझने के लिए इसको समझना होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जब इस साइड भागेगा तो ये तो फ्री है, मतलब कि ये तो कंडक्शन बैंड में पूरी तरह फ्री है, लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो पहले ही बॉन्ड में है, इसको बॉन्ड ब्रेक करना होगा और तब ये इधर जाएगा, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री था पहले से, इसको अभी भी ब्रेक करना और तब जाना है, तो इस ये तो कम ना ले जा पाएगा, लेकिन ये तो फ्री है, ये तो आराम से जा पाएगा और ये थोड़ा मुश्किल से जा पाएगा, इसीलिए जनरली आई ई ग्रेटर देन आई एच।